अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 28th एपिसोड के साथ, और सिलसिला जो हमने लास्ट एपिसोड से स्टार्ट किया था वो था, हम समझ रहे थे कि गूगल को हम किस तरह मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, गूगल हमें क्या क्या चीज़ एक्चुअली ऑफर करता है टू हमें अपनी सर्चेज और अपने रिसर्च को रिफाइन करने के लिए, और क्या क्या टूल्स और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जिनको हम मैक्सिमम यूज़ करते हुए अपने डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन या अपनी जो इंटरनेट पे जो भी चीज़ हमें चाहिए उस तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत रिफाइंड तरीके से। तो उसमें हमने जो लास्ट एपिसोड थी उसमें हमने सिंपल जो स्क्रीन थी जो नॉर्मली अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको हमने सर्च किया था, उनको हमने एक्सप्लोर किया था, उसको मैंने आपको बताया था कि उसको हम किस तरह उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और अब उसी सिस्टम को हम इस एपिसोड में भी लेके चलेंगे, और अब हम चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ ताकि हम नेक्स्ट देख सकें कि और क्या क्या चीज़ है हमारे पास उसमें। अच्छा, अब हमारे पास वही स्क्रीन, हम पाकिस्तान कीबोर्ड के साथ काम कर रहे थे, अभी हम नीचे इसके जाते हैं मज़ीद चीज़ों की तरफ, एक आपको नज़र आएगा एनी टाइम और एक ऑल रिजल्ट्स, इनका क्या मकसद है? इसका ये होता है कि जैसे एनी टाइम में जब आप ड्रॉप डाउन इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एनी टाइम, पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ और पास्ट ईयर और कस्टम रेंज भी आप दे सकते हैं, यानी जो गूगल में जो फीड जिस तरीके से इंडेक्स हो रही होती है उस हिसाब से आप टाइमिंग बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट्स भी ले सकते हैं, जितना भी आप जो भी देखना चाहते हैं कि इन इस टाइमिंग में क्या फीड्स आई हैं, क्या नए इंफॉर्मेशन, क्या जो है वो सर्च इंजन में इंडेक्स हुई हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि जैसे ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये भी एनी टाइम है। अभी अगर मैं इसको ये कह दूंगा कि मुझे सिर्फ वो फीड दिखाओ इस कीवर्ड के हवाले से कि जो पास्ट 24 पास्ट एक घंटे के अंदर हुई है अपडेट, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर ये 39 मिनट्स तक हुई है, वीडियोज़ के 2-3 आ गए, फिर उसके बाद 40 मिनट्स पहले ये फीड आई है, 4 मिनट्स अगो ये फीड हुई, तो ये बिल्कुल रीसेंट जो गूगल ने इस वक्त कंटेंट उठाया है मुख्तलिफ वेबसाइट से वो आपके सामने, जो पिछले एक घंटे के अंदर अंदर उठाया वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं कि पिछले एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर कौन से रिजल्ट आए हैं तो आप देखेंगे कि 11 hours ago, 8 hours ago, 18 hours ago, 23 hours ago जो कंटेंट इंडेक्स हुए हैं गूगल में वो आप आ सकते हैं। तो जब आप रिसर्च कर रहे हैं किसी रीसेंट टॉपिक के ऊपर और आपको बिल्कुल फ्रेश अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन एनी कीवर्ड और टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप हमेशा फ्रेश चीज़ उठाना चाहोगे ना। गूगल अगर एनी टाइम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइम होता है, तो हो सकता है जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो वो उसकी बहुत पुरानी कोई फीड लेकर आ जाए, और बाज़ दफ़ा हमें किसी अपने रिसर्च टॉपिक के लिए कोई पुरानी कोई जो है फीड ही चाहिए होती है कि उस वक़्त इस टॉपिक के ऊपर क्या हुआ था। तो अगर हम इसको यहाँ पर कस्टम रेंज में जाएँ तो हम इवन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये आप देखें कि मैं 2016 लेट से इसमें 1st January से लेकर 30th October सॉरी और इस दौरान मैं अगर जाऊँगा तो पाकिस्तान कीवर्ड्स रिलेटेड आप ये देखेंगे 31st October 2016, ये बिल्कुल उस वक़्त की फीड उठा गया है। तो अगर कोई आप
ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त फीचर है गूगल का कि आप हिस्ट्री में जाके आप किसी पीछे जाकर देख सकते हैं कि आप उस वक़्त इस पर्टिकुलर कीवर्ड जो भी आप सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उस वक़्त गूगल में क्या क्या चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो अगर आप ये जाए ना यहाँ पे, अगर आप 2016 आपने कर दिया, रेंज दे दी है, उसके बाद आपने यहाँ से न्यूज़ फीड भी दे दी है, तो इसका मतलब उस वक्त की न्यूज़ फीड्स आपके पास आ जाएंगे कि उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ। तो रेफरेंसेस निकालने के लिए ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें यूज़ करने, सर्च रिजल्ट्स लेने के लिए भी आप इसमें, जैसे हम एनी टाइम करते हैं तो ये तमाम मिक्स रिज़ल्ट आ जाते हैं। और अगर आप इसको पास्ट आवर एक घंटा पीछे भी जाते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा टूल आपके पास मौजूद है गूगल के अंदर, जिससे आप अपनी रिसर्चेज वगैरह जो हैं बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखते हैं वो है, इसको क्लियर कर देते हैं एनी टाइम पर और टूल्स के अंदर दोबारा आते हैं। अब ये आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मौजूद है, वो है इसका ऑल रिजल्ट्स और वर्बटेम। अच्छा, ये जो वर्बटेम है ना, ये एक बिल्कुल फ्रेश अभी गूगल ने ये चीज़ टूल इंट्रोड्यूस करवाया और ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें होता क्या है कि आप बिल्कुल जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर कीवर्ड दैट इज़ पाकिस्तान, उसमें कोई वो जो है कोई रिलेटेड, कोई उससे कोई इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, एग्जैक्टली सेम परफेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जैसे अब मैंने इसको अब कर दिया ना, वर्बटेम कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान से मुतल्लिक उसने कोई रिलेटेड, कोई स्पॉन्सर्ड, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं दी। उसने एग्जैक्टली जो उसके पास सही तरीके से जो वेबसाइट्स इस कीवर्ड्स के हिसाब से इंडेक्स हैं और एक्यूरेट हैं वो उसने वो दे दी। अब इसमें कोई भी गैर ज़रूरी और डाइवर्टिंग किस्म का कंटेंट मौजूद नहीं है उस कीवर्ड के हवाले से। एग्जैक्टली उस कीवर्ड के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने वो ले आए। तो ये भी एक, अगर आप ऑल रिजल्ट्स में जाते हैं तो आपके पास देखें कि इसी से आपके पास वो वीडियो स्टोरीज भी दे रहा है, उसके बाद आपको ये विकिपीडिया भी दे रहा है, फिर उसके बाद वो आपको जो पीपल आल्सो आस्क जो रिलेटिव टर्म्स हैं उनको वो भी दे रहा है, फिर वीडियो भी यूट्यूब से भी ला कर दे रहा है, फिर वो थिंग्स टू डू इन एक ट्रेवल जो है उसका पोर्शन वहाँ से भी ला कर दे रहा है, और आपको इमेजेस की भी ऑप्शन दे रहा है। उस पर बहुत सारे आपको रिलेटेड रिजल्ट जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो भी आपको दे। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये जो टूल्स के अंदर जो एनी टाइम टाइम बेस्ड रिजल्ट्स और ये आपकी एग्जैक्ट और ऑल रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स भी आपको समझ लग गया। इसके बाद हम जिस तरफ जाने वाले हैं वो है सेटिंग्स। अब हम अपने गूगल को, अपने जो पेज है इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ कि आप यहाँ पे देखें कि आप अपने यूज़र नेम से जो आपका जीमेल का अकाउंट है उससे आप इसमें लॉगिन भी हो सकते हैं ना, तो फिर ये आपका पर्सनलाइज एक सर्च टूल बन जाता है जो कि आपके लिए काम कर रहा है। तो इसमें आपको ये पता आप जैसे ही इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो जीमेल का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है सर्च के अंदर, तो फिर गूगल आपको पहचानने लगता है, आपको ये वो आपको ये आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल बनाने लगता है कि आप किस किस्म की सर्चेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ आपकी इंटरेस्ट की हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे
सेटिंग्स के अंदर उसको सेट कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाएं तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल मौजूद है दैट इज सर्च सेटिंग्स। अब जब सर्च सेटिंग्स में हम जाते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप सेफ सर्च कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और लॉक सेफ सर्च अभी हुआ है, अभी जो इसमें मेरा जो सेटिंग हुई हुई है उसमें सेफ सर्च हुआ है कि मुझे जो इनअप्रोप्रिएट और जो कुछ ऐसे इतना अच्छा कंटेंट मौजूद नहीं होता उसमें वेबसाइट में, वो कहीं सर्च होकर हमारे सर्च रिजल्ट्स में ना आ जाए जिसमें आपकी पोर्नोग्राफी आ जाती है, आपके कुछ ऐसे कोई ऐसे मटेरियल आ जाता है जो कि एथिकली और सोशली सही नहीं होता, तो उसके भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं आपके सर्च रिजल्ट्स में। बास कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि उस तरह के मटेरियल को भी फेच करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर ये नहीं चाहते तो आप सेफ सर्च का ऑप्शन कर दें कि आपको कोई इनअप्रोप्रिएट सर्च, कोई ऐसे इमेजेस या कोई ऐसी चीज़ें ना हों, बल्कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलें, तो आप यहां से वो सेफ सर्च ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सेट कर सकते हैं कि आप एक पेज के ऊपर कितने 10, 20, 30 सर्च रिजल्ट्स कितना चाहते हैं आप, ठीक है। जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना जो प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा, आपके सिस्टम पे आपके नेट पे दबाव ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जितना पेज लंबा होगा उतना आपकी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के वो ज़्यादा लगेंगे। तो आइडियली हम 20 जो पे रखते हैं इसको कि 20 सर्च रिजल्ट्स हों, लेकिन जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो देखना चाहेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट किस नंबर पर आ रही है, और कोई भी मटेरियल अगर आप देखना चाहें कि वो इस वक्त गूगल पे 100 उस पर है, तो वो इजीली एक ही पेज को खोल के चेक कर सकते हैं कि हमारा इसमें कंटेंट आ रहा है, इंडेक्स हो गया या नहीं हो गया। लेकिन ये डेवलपर्स और एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन रिसर्चर्स भी कर सकते हैं कि अगर वो एक ही दफ़ा सब कुछ एक ही पेज में 100 रिजल्ट्स लेना शुरू कर दें तो उनके होगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट रिजल्ट्स, और ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ये होता है कि क्योंकि आप जैसे अगर देखूँ तो यहाँ पे देखिए कि मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है, और जो अब मैं अपने रिजल्ट्स को ये भी कह सकता हूँ कि मेरा जो गूगल की, क्योंकि बहुत सारी एसोसिएटेड टूल्स भी होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हर कोई नहीं यूज़ कर रहा होता, लेकिन अक्सर लोग अगर जिन लोगों को गूगल का मैक्सिमम यूज़ पता है तो वो उसको यूज़ कर, जैसे हम ले लेते हैं जीमेल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम कुछ कोई चीज़ ऐसी सर्च कर रहे हैं जो जो हमारे जीमेल में भी मौजूद है, तो हम अपने सर्च रिजल्ट्स में ये भी देख सकते हैं कि वो हमारे सर्च रिजल्ट्स में उन टूल्स में है। जैसे कि ज़्यादातर आप अगर आप कैलेंडर्स गूगल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर उससे रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके उन टूल्स में, उन दूसरे गूगल की चीज़ों में मौजूद होंगे, तो वो उनको भी सर्च करके आपको इंटीमेट करेगा। अगर आप लॉगिन हैं तब अभी, अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो फिर आपके जो वो इंफॉर्मेशन है वो सेफ है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे अभी अगर हम यहाँ पे जाते हैं गूगल पर, गूगल पे जाते हैं, जैसे अभी हमारे पास हम यहाँ पर सर्च करते हैं बिल्स। अब बिल्स में देखें, जैसे मैंने बिल्स किया तो आपने देखा कि उसने एक यहाँ पर मेरे अकाउंट से रिलेटेड, मेरे जीमेल से रिलेटेड एक रिज़ल्ट दिया कि कोई बिल, कोई जो है बिल है वो हमारे, मैं उसको करता हूँ तो देखते हैं कि जी ये माधव मंगेश, ये अब उस ईमेल में किसी में ये बिल पड़ा हुआ है, तो हम उसमें भी उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मुझे आ रहा है क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, और अगर मैं लॉगिन ना होता तो ये रिज़ल्ट नहीं आता। इसीलिए ये हम गाइड करते हैं लोगों को कि आप अपने, बाज़ दफ़ा लोग जीमेल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो जीमेल से तो लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन वो जो
गूगल वगैरह जो आपका लॉगिन हुआ वो होता है उसकी आप परवाह नहीं करते, तो उसमें भी देखिएगा कि वहाँ से भी आप लॉग आउट हो गए हैं या नहीं लॉग आउट हो गए। अगर आप लॉग आउट नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपका एक रास्ता मौजूद है जहाँ से लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो हमने देखी। अगर आप ये प्राइवेट और जस्ट शो ये डू नॉट यूज़ प्राइवेट सर्च और प्राइवेट सर्च, ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए कनेक्शन का जो HTTPS और सिक्योर होना भी ज़रूरी है। अगर वो साइट्स जो हैं वो सिक्योर नहीं हैं तो फिर वो जो वहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं आ सकेगी। तो ये आप ट्राई कीजिएगा तो आप ज़्यादा इसको इसके मतलब क्लियर होगा कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद स्पोकन आंसर्स आ जाते हैं। स्पोकन आंसर्स मीन कि जैसे अब आप यहाँ पे एक स्पीकर देख रहे हैं, देखें तो आप कुछ बोल के भी इसको सर्च रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ना स्पीकर आंसर्स और जस्ट शो टेक्स्ट आंसर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी वेयर रिजल्ट ओपन। ये भी एक अच्छी चीज़ है रिसर्चर्स के लिए कि अगर हम इसको ये चेक कर देते हैं इसको कि ओपन ईच सिलेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यू ब्राउज़र विंडो, यानी कि अगर हमने यहाँ पर सर्च टर्म लिखा है तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, अब जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जिसको भी हम क्लिक करते जाएंगे वो एक नए टैब में, ये देखें यहाँ पे एक कीवर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है, दूसरे में दूसरे कीवर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है। इस तरह हर जिस आपका जो मेन सर्च पेज है वो इंटैक्ट रहेगा। रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको, वरना क्या होता है कि आप राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ पहले से यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो खुद ब खुद दूसरे टैब्स में ही ओपन होंगे। उसके बाद आ जाते हैं रीजनल सेटिंग्स में। जैसे कि इस वक्त आप देखें कि जो मैं जहाँ इस वक्त आयरलैंड में हूँ तो मेरा यहाँ पे रीजन आयरलैंड है, ये देखें इधर। और जो भी मैं इस वक्त चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने वेब होस्टिंग सर्विसेज लिखा तो मुझे सबसे पहले जो है वो यहाँ की आयरलैंड की होस्टिंग सर्विसेज और उसके मैप्स और वो सारा कुछ हमें यहाँ का उसने प्रायोरिटी, क्योंकि मेरी लोकेशन यहाँ की है तो मुझे यहाँ के रिजल्ट्स उसने दिए हैं। लेकिन मैं अगर होस्टिंग सर्विसेज फर्ज करें यहाँ बैठे हुए जैसे आप पाकिस्तान में हैं तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के देगा, अगर आप यूएई में हैं तो यूएई के आएंगे। लेकिन अगर आप जैसे मैं अभी यहाँ आयरलैंड में हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि नहीं मुझे वेब होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान की चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे रीजन्स आ गए और मैं यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से अब मैं पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, मेरे रिजल्ट्स अब मैं देखें, मैं एक और गूगल खोलता हूँ। अब मेरी लोकेशन क्या आ रही है, पाकिस्तान। अब मैं जब वेब होस्टिंग सर्विसेज लिखूँगा तो मेरे जो प्रायोरिटी में सर्विसेज आएंगी वेब होस्टिंग की वो पाकिस्तान की आएंगी। देखें जो प्लेसेस भी आ रही हैं सब पाकिस्तान की आ रही हैं और सारे पाकिस्तान होस्टर पीके और ये सब पाकिस्तानी कंपनियां यहाँ पर आ गई। तो आप कहीं पे भी रहते हुए किसी भी कोई भी रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेटिंग्स में जाकर, सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाकर आप अपना रीजन सेलेक्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट आप करंट रीजन पे रखें तो आप वो ऑटोमेटिकली आपकी आईपी से सेलेक्ट कर लेगा कि आप किस रीजन में हैं, तो वहीं के रिजल्ट्स वो देगा। तो दूसरा जो एपिसोड है, दूसरा लेक्चर जो है, हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आपको ये गूगल सर्चिंग के जो सेशंस चल रहे हैं ये अच्छे लग रहे होंगे और ये हो सकता है आप ये नए हों, हो सकता है आप इन चीज़ों को पहले भी जानते हों, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको आपको जो आपकी जो लाइफ है
जो कंप्यूटर लाइफ है, जो आप, क्योंकि आप तो जो कुछ भी होता है वो आप, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप इंटरनेट पर तो ज़रूर जाते ही होंगे और वहाँ में कुछ ना कुछ आप सर्च करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, या कोई अपना असाइनमेंट बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, तो आपको ये गूगल सर्च का यूज़ करना बहुत अहम है। तो इसीलिए मैं इसको इन डेप्थ लेके चल रहा हूँ कि ये आपको, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम और डीप जाएंगे, इसकी भी सेटिंग्स और भी हैं, उसमें जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं सर्चेस को और रिफाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा चैनल, और भी बहुत कुछ ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आने वाली हैं। तो बेल आइकॉन भी अगर आप प्रेस कर देंगे ना, तो फिर जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको बेल, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम।